हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मनीषा और आप देख रहे हो मनीषा एंड बनीज़ वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, मैं सिलेंडर का कवर बनाने वाली हूँ। आपके घर पे भी सिलेंडर एक्स्ट्रा रहता होगा और वो बहुत डर्टी दिखता है, कोई भी स्पेस में रख दो वो बुरा लगता है, तो आज हम उसे बहुत अच्छा सा मेकओवर देने वाले हैं। मैंने एक कर्टन का कपड़ा लिया है फ्रेंड्स, ये 7 मीटर का है। फ्रेंड्स, आप ये कवर मशीन से और हैंड से दोनों से बना सकते हैं। मैं आपको हैंड स्टिच करके भी एक डेमो पीस दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि आपको कैसे 1x1 स्टेप्स यूज़ करने हैं। अब हमें प्लेट्स बनाने हैं फ्रेंड्स। मैंने इस पीस को बनाने के लिए 7 मीटर का कपड़ा लिया था, कर्टन का कपड़ा था, जो वेस्ट कर्टन घर पर होते हैं ना, आप उसे यूज़ कर सकते हो, बेडशीट यूज़ कर सकते हो। 7 मीटर का कपड़ा लिया था और देन मैं उसमें ऐसी रैंडम प्लेट्स बनाती चली गई और वो उसका जितना भी लेंथ था उसे मैंने प्लेट्स की हेल्प से शॉर्ट कर दिया था। अब हम सेम प्रोसेस मशीन से करेंगे, प्लेट्स बनाकर मशीन से स्टिच कर देंगे। ये काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, मुझे ये बनाने में हार्डली 15 मिनट्स लगा था। आप भी इसे 15 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो और अपने सिलेंडर को बहुत अच्छा सा लुक दे सकते हो। अब हम सिलेंडर का टॉप पार्ट का मेजरमेंट लेंगे और मैंने 6 का वो मेजरमेंट लिया था, बट अभी मैं 7 लूँगी क्योंकि हमें स्टिच के लिए कम से कम 1 इंच छोड़ना होता है। और लेंथ मैं 26 ले रही हूँ फ्रेंड्स। और आप इसे कट करके बस दोनों फ्रंट पार्ट को एक साथ सिक्योर करके आपको उसे अच्छे से स्टिच करना है। मैं ये प्रोसेस इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप चाहो तो आप मशीन से या फिर हैंड से, आप दोनों से इसे बना सकते हो। आप इसमें इस टाइम पे आप एक लॉक स्टिच का यूज करो। अब हम ये सेम प्रोसेस मशीन में करेंगे। आपको दोनों फ्रंट पार्ट को एक साथ रख के बस इसे नॉर्मल स्टिच कर देना है। फ्रेंड्स, अब हमें एक सर्कल कट करना है जो सिलेंडर का अपर पार्ट होगा, उसमें मैंने मेजर किया है 9 सेंटीमीटर, तो आप उसे 4.5 सेंटीमीटर का 3 लाइंस ड्रॉ करके देन आप उसे कट कर सकते हो।
फ्रेंड्स अभी हमें सर्कल को उसके साथ अटैच करके मशीन की हेल्प से उसे स्टिच कर लेना है। फ्रेंड जब आप स्टिच कर लोगे ना तो आप उसे फिर वही प्रोसेस को वापस रिपीट करना ताकि आपका कवर अच्छे से टाइटली सिक्योर हो जाए। अब हम वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे फ्रेंड्स, बस अभी हम मशीन से उसे अच्छे से उसके कॉर्नर को स्टिच करके सिक्योर कर देंगे। अब बस फाइनली आपके सिलेंडर का कवर रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा फ्रेंड्स, आप प्लीज़ अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा एफर्ट और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।